रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अडेनियम की रिपोर्टिंग बताने जा रही हूँ। ये मेरे अडेनियम के 3 प्लांट्स हैं, एक ये और एक छोटा सा मैंने बीच से ग्रो किया था। और इनको मैं ये 2 नए गमले में कराऊंगी, और ये जो छोटे छोटे 3 प्लांट्स हैं और एक है, इनको एक इसमें कर दूंगी। मतलब 4 छोटे प्लांट्स को एक में और बाकी ये 2 बड़े वालों को एक सिंगल गमले में करूँगी। ये गमला मेरा 10 इंच का है और इसके लिए मैंने लिया है, ये मेरी गार्डन की सॉइल है। और ये जो लकड़ी को जलाने के बाद राख निकलने के बाद उसको छानने पर खंगर बचता है, ये वो है। ये गोबर की खाद, ये लकड़ी की राख, ये चूना, DAP, ये बोन मील, ये फंगीसाइड, ये वर्मिंग कंपोस्ट और ये नीम की खली। मैं दूर से दिखा देती हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं अडेनियम रिपोर्टिंग में यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं इन सबको मिक्स करके इनको रिपोर्ट कर दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो खंगर है इसका बड़ा बड़ा पीस मैं अलग से ऊपर निकाल के रखूँगी, गमले के नीचे रखने, मतलब गमले को नीचे रखने के लिए, ताकि गमला आधा इसी से भर जाए। उसके बाद इन महीन लोगों को, कंगरों को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। ये क्या करते हैं कि सॉइल को बहुत ही ड्रेनेज वाला बनाते हैं और ये पानी को रोक कर रखते हैं थोड़ी देर अपने लिए। को मिला लेना एक में बिल्कुल इस तरह से। सबको मिट्टी में आपको अच्छे से मिला लीजिए। और फिर बालू भी डालते हैं, पर मैं इस बार बालू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वाली बन जाएगी खंगर की वजह से, तो मैंने इस बार बालू नहीं डाला है। मिट्टी को मिला लेते हैं। मैंने मिला के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी को कोई अच्छी तरीके से मिला लिया है। और ये मेरे 2 गमले हैं, इसमें एक में बहुत छोटा सा ये ड्रेनेज होल है, पर ठीक है, मुझे लगता है इसका काम चल जाएगा। अब इसमें मैं ये जो बीज के मोटे मोटे खंगर बचा के रखी थी, मैं इनको नीचे डाल दूँगी गमलों में, ताकि ये थोड़ा गमले पानी का भी काम करे। इस हाथ से काम नहीं हो पा रहा है। मैंने इनको इसमें भर लिया है, थोड़ा सा भर गया है इतना दूर तक। अभी इतना मिट्टी में भरूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ इतना खाली रखूंगी ताकि ज़्यादा पानी ना पड़ सके दोनों गमलों में। इतना दूर तक मिट्टी भरने के बाद आपको ये अपना ये पॉट लेना, ये अडेनियम का प्लांट लेना है और इसको बस ऐसे ही ऊपर रख देना है सिंपली। अब चाहें तो ये सारी रूट्स, जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं, इनको निकाल सकते हैं, पर वो आपके ऊपर है। इसकी शेप आप चेंज करना चाहते हैं तो इन्हें निकाल दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब इन पे मिट्टी भर देते हैं। बस जब पानी इन पर डालेंगे तो ये खुद ही नीचे बैठ जाएगा और इतनी अच्छी जड़ पकड़ लेगा। मैंने अपना दूसरा प्लांट भी इसमें से उखाड़ लिया है। इसको देखिए, मैंने कुछ दिन पहले प्रूनिंग कर दिया था और इसके ऊपर, इसके नोट्स पर मैंने फंजीसाइड लगा दिया था ताकि इस पर फंगस अटैक ना हो।
और इसको बस ऐसे ही रख देना है, थोड़ा ऊपर करके रखेंगे। इसकी ये रूट है जो इस पेड़ को टेढ़ा कर देती है, तो मैंने इस बार सोचा इसको मैं सीधा करके रखूँगी। तो मैं इसे कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने इसको लगा लिया है, उसके ऊपर तक पानी भर मिट्टी भर दिया है। इसमें मिट्टी मैंने थोड़ा कम ही रखा है, थोड़ा पानी भरने के बाद ये दबेगा, तब फिर बाद में और पानी डालूँगी। ये मैंने अपनी तीनों प्लांट्स रिपोर्ट कर लिए हैं, तीनों गमले। ये एक, ये बड़ा है और ये छोटे छोटे जो है, इनमें से ये वाला मैंने बीच से ग्रो किया है, तो इनके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हूँ। देखते हैं कि कितना चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी और उनको 3-4 दिनों के लिए छाँव में रखूँगी, फिर उनमें धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, फिर मैं इनका अपडेट आपको दिखाऊँगी।